हरदोई की सुरसा पुलिस ने दो इनामी अपराधियों को पकड़कर एक लूट का खुलासा किया है। वहीं कासिमपुर पुलिस ने एक असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए दो लोगों को पकड़कर उनके पास से भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित असहले व बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसपी ने दोनों थानों की टीम को 5,000 रूपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। सुरसा थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बघोली थाना क्षेत्र के काईमऊ निवासी मजदूर रामनाथ पुत्र पुतुलाल और साथ ही ककरघटा निवासी रामकृपाल पुत्र मनोहर के साथ हुई लूट में संलिप्त दो लुटेरों बघोली थाना क्षेत्र के केसवन निवासी हरीश चंद्र पुत्र छेदा व राजबक्ष पुत्र राम प्रसाद निवासी सिद्धारपुरवा को पकड़कर जेल भेजा है। दोनों के ऊपर 1500 रूपए का इनाम घोषित है। इनके पास से लूट में प्रयुक्त एक चोरी की बाइक, एक साइकिल, मोबाइल व 2,000 रूपए की नकदी बरामद की गई है। दूसरी ओर कासिमपुर पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। एक बंद पड़े ईंट भट्टे से क्राइम ब्रांच के सहयोग से पुलिस को ये सफलता मिली। पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के कोथोलिया निवासी राजकुमार कनोजिया व सांडी के ज्ञानपुरवा निवासी रमेश चंद्र मिश्र को पकड़कर उनके पास से 7 अवैध तमंचे, भारी मात्रा में बनाने के उपकरण व अर्ध निर्मित असहले कारतूस खोखे बरामद किए हैं। दोनों थानों की टीमों को एसपी ने 5,000 का इनाम दिए जाने की घोषणा की है। क्षेत्र में दो लूट की घटनाएं और एक चोरी की घटना घटित किसी मामले हुई थी। घटना के अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच साथ ही साथ थानाध्यक्ष सुरसा श्री भानु प्रताप सिंह पूरी टीम के साथ लगे हुए थे। आज इनको बहुत अच्छी एक सफलता प्राप्त हुई है कि दो लुटेरे उसमें पकड़े गए हैं, जिनके पास से दोनों लूटों के सामान साथ साथ एक चोरी की जो साइकिल गई थी और मोटरसाइकिल मोबाइल ये बरामद हुआ है। उनके दो साथी अभी फरार हैं। इन दोनों पे पहले चूंकि इनका नाम प्रकाश में आ गया था तो 1,500 रुपये का पहले से रिवार्ड घोषित हुआ था और ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं। इसमें जो हरीश चंद है अभी पिछले महीने ही 27 तारीख को छूट के आया था और इस पर तमाम अभियोग पंजीकृत हैं। साथ ही साथ दो साथी और इसके जो अभी फरार हैं उनका भी एक लंबा खासा आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार से इनका ये कहना है कि जैसे हम जेल से छूट के आए हैं उसके बाद से कई घटनाओं को हम लोगों ने अंजाम दिया है, तो इनके पकड़े जाने से क्षेत्र में काफ़ी शांति होगी और अपराध पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इस समय जो अपराधियों पर शिकंजा कसने का जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है, उसके तहत आज क्राइम ब्रांच और साथ ही साथ थाना प्रभारी कासिमपुर ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो तमंचे बना करके और उनको बनाने तथा साथ ही साथ उनको बेचने का काम करते थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो बनाते तमंचे 2,500 के आसपास, 2,500 से 3,000 रुपये में उसको बेचते थे, जबकि लागत ये इसकी 600-700 रुपये आती थी। इस प्रकार से इनका एक साथी जो इस काम में लिप्त था वो फरार है, अभी उसकी खोजबीन की जा रही है। लेकिन एक ऐसे नेक्सस का, एक ऐसे गैंग का ये पर्दाफाश और उनको गिरफ्तार किया गया है, जो पता नहीं कितने तमंचे भी इनसे और पूछताछ की जा रही है, पता नहीं कितने तमंचे बेचे हैं। और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ, साथ साथ इनकी फैक्ट्री पूरी बरामद हुई है। इनके साथ बने हुए तमंचे हैं, साथ ही साथ इनकी मशीन बनाने की है और साथ ही साथ काफ़ी भारी मात्रा में आप देख रहे हैं पूरा बोरी भर के इनसे सामान अर्धनिर्मित तमंचे बरामद किए गए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।